लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद से ही लगातार राजनीति में हलचल मच रखी है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है कि आखिर भले ही इस बार एनडीए की सरकार बन चुकी हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक जीत कर भी कहीं ना कहीं, आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक पे एक तरह से हार कर भी जो जीत का जश्न है वो देखने लायक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। संघमित्रा मौर्य वही पूर्व सांसद हैं जिनका टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था। संघमित्रा मौर्य, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का इस बार राजनीति में खासा बोलबाला देखने को नहीं मिला। कारण कई रहे, क्योंकि आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य एक वो ऐसे इकलौते नेता हैं जो दल बदलने के नाम से कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार, उनके नाम पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उनकी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन ऐसा इन लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। वो अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से कुशनगर की सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन बुरी तरह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हार और संघमित्रा मौर्य का यूं भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट काट देना आने वाले समय में राजनीति पर एक बड़ा प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता नजर आ सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब संघमित्रा मौर्य बीजेपी छोड़ने का बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और अगर संघमित्रा मौर्य बीजेपी छोड़ती हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं खुला समर्थन देते नजर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का खुला समर्थन, वहीं बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की राह पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य चलते नजर आ रहे हैं, अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के संग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ और एक तरह से अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठबंधन बीएसपी के साथ आने वाले समय में करते नजर आ सकते हैं या नहीं। लेकिन वहीं एक कयास ये भी है कि अगर बसपा के साथ नहीं तो आखिर मौर्य किस पार्टी के साथ गठबंधन करते नजर आएंगे।